यो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एसपीपीएस क्लास 8 सब्जेक्ट फाइनेंस टॉपिक टू डिस्कशन फॉर द म्यूचुअल प्रोटोजोआ एंड आर्मी प्रोटोजोआ। सो डिस्कशन फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज द सेप्रोफाइटिक, दैट इज द पैरासिटिक, एंड दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटोजोआस। आर सी फॉर द फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, that is the ciliated protozoa, and are found the pseudopodia are the present of this protozoa. So the different type of the protozoa, so that is the useful protozoa hamare liye ya hamari prakriti ke liye ya nature ke liye jo kuch protozoans hain jo mukta labhdayak hai ya useful hai. Iske andar protozoa help in the degradation of best अपशिष्ट पदार्थ है उनका क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स के रूप में भी एक यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोटोजोन्स आर द एक्वाटिक एनिमल, सो इज द एक्वाटिक दैट इज द फ्रेश वाटर दैट इज द सो प्रेजेंट आर द एक्वाटिक एनिमल्स। प्रोटोजोआ टू प्रोड्यूस टू फूड चेन दैट इज द प्रोटोजोन्स आर द प्रोड्यूस द फूड चेन्स प्रोवाइड फॉर टू consumers, that is the primary consumer and that is the secondary consumer and that is the tertiary consumer. So are the consumers are the provide for the food chain in ecosystem. Next is the some protozoa are the like the alimentary canal of the animal. So are the animals that is the buffalo, that is the cow, so that is the goat into the digest of the cellulose. So some protozoans are the found in the alimentary canal, so the digest of the cellulose. जो सम प्रोटोजोन्स हैं वो मतलब कहने का मतलब एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल यानी हर नाल के अंदर ये पाए जाते हैं जिसके कारण ये सेलुलोज को पचाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जो प्रोटोजोन्स हैं वो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जो यूजफुल प्रोटोजोन्स हैं डिग्रेशन में इनका ये होता है एक्वाटिक एनिमल है और प्रोड्यूस टू द फूड चेन के लिए है एंड डाइजेस्ट द सेलुलोज एंड टू डिफरेंट एनिमल्स। सो नेक्स्ट इज द हार्मफुल प्रोटोजोआ, सो इज द हार्मफुल प्रोटोजोआ आर द प्रोड्यूस द एंड अमीबा हिस्टोलिटका दैट इज द एंड अमीबा हिस्टोलिटका इन ह्यूमन द इंटेस्टाइन कैजेस डिजीज फॉर द एमीबोसिस डिसेंट्री, इसको अतिसार या डायरिया ठीक अतिसार या डायरिया कहते हैं अमीबॉइड डिसेंट्री, जिसके कारण मनुष्य के अंदर क्या होता है यानी पेचिश डेवलप होती है अमीबॉइड डिसेंट्री। नेक्स्ट इज द एंड अमीबा जिंजिवेलेस फाउंड इन टेरानोटी, जो दांत हैं दांत के निचले हिस्से का जो भाग है टेरर भाग है वहाँ पर एंड अमीबा जिंजिवेलेस प्रेजेंट रहता है और जिंजिवेलेस जो प्रेजेंट रहता है उससे एक डिजीज क्यूज होती है जिसको पायरिया क्या कहते हैं। पायरिया जो डिजीज है वो डिजीज डेवलप होती है किससे, एंड अमीबा जिंजिवेलेस। तो जिंजिवेलेस इज द हार्मफुल प्रोटोजोन्स आर द डिजीज फॉर द पायरिया दैट इज द मलेरिया। सो मलेरिया इज ह्यूज बाय द प्रोटोजोन्स दैट इज द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम फिलैक्स एंड प्लाज्मोडियम वॉल्वक्स दैट इज द ओवल प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सो द डिफरेंट आर द प्लाज्मोडियम बाय द ह्यूजेस ऑफ द मलेरिया डिजीज डेवलप फॉर द ह्यूमन बींग। सो डियर स्टूडेंट फ्रॉम मॉडल वर्किंग फॉर यू, सो लर्न दिस टॉपिक for the useful protozoa and harmful protozoa. So thanks for watching for your study.